हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तरुण जायसवाल टीजे ब्लॉगर। सो गाइस, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं एशियन पेंट्स रिलेटेड। मैं खुश हूं कि लोग आप लोगों को हेल्प मिल रही है मेरी वीडियो से, और मैं इस वीडियो में आपके मोस्टली वो चीज़ कवर करूंगा जो इंटरव्यू क्वेश्चंस में मुझसे पूछे गए थे, सो दैट उसके अकॉर्डिंग आप भी प्रिपेयर कर सके और आपका भी इंटरव्यू पास ऑन हो जाए। बहुत से क्वेश्चन है कि मेरा इंटरव्यू हुआ है, मैं अपना एक प्रोसेस बताता हूँ कि मेरा कैसे हुआ इंटरव्यू और मैंने कैसे सक्सेसफुली पास किया है, सो दैट आपको हेल्प मिले और आप लोग को भी आइडिया लगे कि हाँ तरुण, अगर ये हम लोग भी करेंगे क्या हो जाएगा। माइट यस डेफिनेटली आप भी ऐसा अगर करोगे तो आपका भी इंटरव्यू पास हो जाएगा और आपको एशियन पेंट्स का एक हिस्सा हो जाओगे ज्वाइनिंग के लिए। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और उससे पहले प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बहुत टाइम निकालना पड़ता है, थोड़ा सा हेल्प करें गाइस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। सो कैंडिडेट लोग, आप लोग ये चीज समझ के चलो, सबसे पहले जो आपको ब्रह्मास्त्र डालना है एचआर के थ्रू, मतलब सबसे पहले एक पॉइंट ऑफ सेल, अगर एशियन पेंट में पार्ट होना है तो नंबर वन रेफरल, या फिर लिंक्डइन के थ्रू, या अपने जितने भी कॉन्टैक्ट हैं उनके थ्रू पहले आप रेफर करें। जब बहुत से कैंडिडेट लोग रेफर कर देते हैं, उसके बाद उनको नहीं पता होता क्या होता है, तो आप लगातार एचआर को मैसेज या मेल के थ्रू कनेक्ट करते रहें कि व्हाट वाज द नेक्स्ट प्रोसेस, व्हेन विल माय टेस्ट, और वो टेस्ट मेरा जो हुआ था मैंने एचआर को रेफर किया, ठीक है, सॉरी मेरे एक फ्रेंड में रेफर किया, ठीक है, तो एचआर का मेरे पास कॉल आया, उसने बेसिक सी सारी चीज़ें पूछी मुझसे कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं। एक चेक करने का क्राइटेरिया होता है लोगों का, परसेंटेज पूछना किस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम किया है। जब वो एचआर आपका स्क्रीनिंग सारी चीज़ कर लेती है तो उसको आइडिया लग जाता है हाँ ये कैपेबल है, उसके नेक्स्ट राउंड में इंटरव्यू हो। तो स्टेप वन मेरा क्या हुआ था, एचआर के थ्रू एक बेसिक राउंड हुआ था, 2 to 3 में कॉल इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें सारी चीज़ उसने नोट किया था। देन उसने नेक्स्ट स्टेप मुझसे बोला था कि तरुण वी विल हैव अ टेस्ट, तो मैं एक टेस्ट के थ्रू गो थ्रू किया मैंने, और उसमें मेरे 24 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो उसने कहा था कि आप क्लियर कर ले, तो आई थिंक मुझे सुबह कॉल आई थी, मैंने एचआर का सारा चीज़ समझा और उसने शाम उसी टाइम वो मेल फॉरवर्ड कर दिया था टेस्ट का, और मैंने उसी रात को टेस्ट भी क्लियर कर लिया था और मेरे 24 क्वेश्चन थे मैं सॉल्व कर रहा था। तो मैं आपको कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन भी शेयर करूँगा जो वो पूछते हैं, क्या वो ऑनलाइन टेस्ट में मुझे जितने ऑनलाइन नेट से मिला था वो मैं आपको साथ शेयर करूँगा। और जैसे ही वो आप टेस्ट क्लियर कर लोगे, 24 क्वेश्चन में से 9 to 11 क्वेश्चन सही करने होते हैं, 11 क्वेश्चन, तो आपका लिख के आ जाएगा यू हैव बीन पास द टेस्ट सक्सेसफुली, तो आपको आइडिया लग जाएगा दैट यू हैव पास और नॉट। तो एक स्टेप वन, स्टेप टू ये है कि आपको टेस्ट से क्लियर करना होगा। देन एचआर का नेक्स्ट डे कॉल आया मुझे और उनने मेंशन किया कि तरुण यू हैव पास द टेस्ट एंड वी विल शेड्यूलिंग योर इंटरव्यू विद एएम। तो मेरा एरिया मैनेजर के साथ इंटरव्यू हुआ। इस एरिया मैनेजर के इंटरव्यू में देखिए आप लोग क्या चीज़ याद रखे, सबसे पहले जो आपने सीवी शेयर की है उस सीवी को, अपनी सीवी को पूरा गो थ्रू कर ले और जो लिखा है उसमें डेप्थ में आप गौर कर ले। सबसे पहले जो उन्होंने मुझसे पूछा था एक्सपीरियंस के बारे में, और उससे पहले जो उन्होंने सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है आप लोगों को पता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ ब्रीफली, अबाउट योर फैमिली, वो फैमिली से जान समझते हैं कि ये जो कैंडिडेट आ रहा है क्या वो ऑलरेडी बिजनेस लाइन से आ रहा है कि जॉब लाइन से आ रहा है कि फादर क्या है, क्योंकि आपके पेरेंट्स कल्चर कभी नोटिस करते हैं कि ये वर्किंग फैमिली से हैं कि या फिर बिजनेस फैमिली से, सो डैट वो वहाँ से कोप, अगर आप वर्किंग फैमिली से हैं तो पूछेंगे फादर क्या करते हैं और आपके क्या, अगर आप बिजनेस फैमिली से हैं, बिजनेस वर्किंग फैमिली से, तो वो पूछेंगे आप अपने बिजनेस लाइन में क्या सीखा आपने। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आप कौन से बता रहे हैं क्या चीज़ है, और अपने ब्रदर और मदर के बारे में मैंने बताया डैट क्वेश्चंस जो उन्होंने पूछे टेल मी अबाउट योरसेल्फ में। देन ये डीपली नेक्स्ट स्टेज पे, नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं एक्सपीरियंस में, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो गो थ्रू, जैसे मैं लाइक इंडिया मार्ट में एक्सपीरियंस पर्सन था, तो उन्होंने मुझे सारे इंडिया मार्ट से रिलेटेड कोर चीज़ पूछी थी, इंडिया मार्ट में आप क्या रोल करते हैं और आपको वहाँ का टर्नओवर क्या है, अगर आप इंडिया मार्ट में रहेंगे तो क्या क्या चेंजेस आपको रिक्वायरमेंट करनी चाहिए, क्या दो चेंजेस बताइए क्या चीज़ वहाँ ख़राब है, और वहाँ पे आपका क्लाइंट से डील कैसे करते हैं। तो मैंने देखिए कोशिश किया था जितना एशियन पेंट का जॉब डिस्क्रिप्शन है वो मैंने इंडिया मार्ट के जॉब डिस्क्रिप्शन से को रिलेट करके बताया था, लाइक क्लाइंट विजिट, डीलर से विजिट, वीडियो मीट इंटरेक्शन, डीलर को स्कीम रिप्रेजेंट करना,
और टाइम टू टाइम कनेक्ट करना, फॉलोअप करना, कंप्लेंट क्लोजर्स, तो ये सारी चीजें जितनी थी मैंने कोर जो इंडिया मार्ट में करता था को रिलेट करके मैंने ये ऐसा बताया कि दैट आई एम बीन डूइंग दिस सिमिलर वर्क इन इंडिया मार्ट दैट यू वॉन्टेड टू मी, मतलब जो वो चाहते हैं, जो उनका जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने गो थ्रू किया, फिर उस हिसाब से मैंने इंडिया मार्ट जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में उनको बताया कि मैंने ये किया है। तो थोड़ा सेटिस्फाइंग इंटरव्यू था, ये भी माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू हुआ था ऑनलाइन। तो ये चीज़ समझ लीजिए वर्क के बारे में अच्छे से पता, और मैंने इंटर्नशिप जहाँ की थी जे मैराथन, फेसबुक में सोशल मीडिया प्रमोटर, तो वो सारी इंटर्नशिप्स के बारे में भी उनने पूछा था, और वहाँ रोल क्या था आपका और आपने कैसे रेवेन्यू जनरेट किया। कोशिश करिएगा सारी चीज़ बताइए, सेल्स फिगर में कितना रेवेन्यू है, और वैसे उनने पूछा था कि आप इंडिया मार्ट पे अगर मंथली करते हैं तो कितना टर्नओवर का आपका रहता है, लाइक 50 लाख, 1 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, कितना आप मंथली रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो ये चीज़ आप गो थ्रू कर लीजिएगा। ये एएम के साथ इंटरव्यू हुआ था, तो एएम को आपको सेटिस्फाई करना है कि डेट आई एम बीइंग गुड कैंडिडेट, मेरे अंदर कैलिबर है, वर्क कल्चर क्या है, ओके यहाँ का वर्क कल्चर के बारे में भी मैं बताऊँगा। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में होता है आपका आरएम के साथ इंटरव्यू, उसमें आरएम आपके रहते हैं, साथ में आपका एचआर हेड होते हैं, वो दोनों साथ में इंटरव्यू लेते हैं आपका। तो सेम आरएम का भी क्या स्टेज है कि आरएम भी आपको गो थ्रू पहले करेगा, ऑब्जर्व कि आप कैसे कैसे सारी चीज़ें कर रहे हो, आपका वही वर्क एक्सपीरियंस, अपने आपके बारे में टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और आपकी हॉबी से, मेरी हॉबी से रिलेटेड पूछा था एंड आई एम यूट्यूबर, तो यूट्यूबर में कि आप क्यों नहीं अपना करियर करना चाहते और आपका नंबर वन यूट्यूबर कौन है, सारी चीज़ें, और आपके प्लान्स क्या हैं फ्यूचर के, एशियन पेंट में क्यों जुड़ना चाहते हैं, और उनकी कंपनी के कॉम्पिटिटर में क्यों नहीं आप जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप प्रिपेयर करके चलिए, स्ट्रेंथ और वीकनेस पूछ लेते हैं आपसे, एशियन पेंट्स के प्रोडक्ट्स के बारे में आप नॉलेज रखिए, बेसिक्स नॉलेज, क्या कितना पुराना है, सीईओ कौन है, एमडी कौन है, तो क्वेश्चन डीप में होंगे तो आप लोग हिसाब से प्रिपेयर करें। जब आप ये सारी चीज़ प्रिपेयर कर लेंगे तो देन आपका सक्सेसफुली इंटरव्यू पास हो जाएगा, देन एचआर आपसे सारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ मांगेगा। तो गाइस एक चीज़ और है, मैं आपको लास्ट में आपको एमसीक्यू शेयर कर दे रहा हूँ किस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं, सो दैट उससे प्रिपेयर करें। एमसीक्यू मीडियम एवरेज रहते हैं, ना बहुत ईजी नहीं होते हैं, मान के चलिए एवरेज से थोड़ा सा ऊपर होता है। फॉर दैट आपको और कोई प्रॉब्लम्स हो, बहुत से क्वेश्चन होंगे कि मेरा इंटरव्यू हो गया लेकिन रिजल्ट नहीं आया, तो आप रेगुलर एचआर को मेल करें और उनसे नेक्स्ट स्टेप प्रोसेस पूछे कि व्हेन विल आई गेट माय अपडेट, सो दैट एचआर आपको लूप में बताएगा। हर 2-3 दिन में एचआर को लूप जरूर करे कि व्हेन विल आई गेट नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट प्रोसेस या चीज। और उस और कोई जानकारी के लिए अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे मेल में मेंशन करिए क्या चीज़ है, मैं आपको शेयर करूँगा। थैंक यू गाइस, टिल टाइम, बाय बाय।